नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं थाई फैट की, जो कि बहुत ज़्यादा हो चुका है। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को स्लिम लेग्स चाहिए हैं या फ्लैट बॉडी चाहिए है, तो आप लोगों को ये सभी वर्कआउट जो आज इस वीडियो में बताए जाएंगे वो आप लोगों को करने होंगे। सबसे पहला वर्कआउट है 40 सेकंड्स का और उसका नाम है लंजेस वॉक। इसमें आप लोगों को क्या करना है, दोनों हाथ आप लोगों को जस्ट अपनी गर्दन के पीछे रखने हैं या हम लोग कहें सर के पीछे रखने हैं। उसके बाद में आप लोगों को फॉरवर्ड लंजेस करना है, आगे बढ़ते हुए कदम को बढ़ाना है और उसके बाद में जस्ट डाउन जाना है, यानी कि स्क्वाट पोजिशन जो है उस तरीके से लेना है। तो लंजेस बोलते हैं इसे, और इस प्रकार आप लोगों को आगे बढ़ते जाना है और लंजेस आप लोगों को करते जाना है। तो इससे ग्लूट की मसल्स जो है वो टोन होगी, साथ ही आप लोगों की जो थाई मसल्स हैं वो एक्टिवेट होंगी। अगर थाई मसल्स एक्टिवेट होंगी, इंगेज रहेंगी, तो बाहरी जो फैट है थाई मसल्स का यानी कि सेल्यूलाइट, वो जल्दी ही बर्न होने लगेगा। कोई भी आप लोगों को ऐसे इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होगी या मसाज थेरेपी की ज़रूरत नहीं होगी कि आप लोगों को ये बाहरी फैट, लटकता हुआ फैट घटाने की, तो आप लोग वर्कआउट कीजिए। दूसरा वर्कआउट हम लोग भी 40 सेकंड्स का लेते हैं और इसके हम लोग बोलते हैं स्कैटर लंजेस। स्कैटर लंजेस में आप लोगों को क्या करना है, जस्ट एक पैर जो है पीछे की ओर लेकर जाना है और उसके बाद में आप लोगों को जस्ट डाउन पोजिशन यानी कि स्क्वाट पोजिशन में लेकर आना है। इस कंडीशन में दोनों हाथ जो है आप लोगों के टाइप रहेंगे और जब आप लोग बैठे तो आप लोग देखिएगा कि जो ग्लूट मसल्स है वो कितनी एक्टिवेट रहती है, साथ ही आप लोगों की जो थाई मसल्स है वो कितनी एक्टिवेट रहती है। तो अगर थाई मसल्स एक्टिवेट रहेंगी तो बाहरी फैट जैसे कि विसरल फैट, सबकंटिन्यूस फैट और सेल्यूलाइट जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि थाई मसल्स वहाँ पर काम करना जो है वो स्टार्ट कर देगी। तो ये दूसरा वर्कआउट भी कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद में आप लोगों को 10 सेकंड का रेस्ट मिल जाता है। 10 सेकंड का रेस्ट जो है आप लोगों की लीन बॉडी के लिए है। और उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं तीसरा वर्कआउट। तीसरा वर्कआउट आप लोगों को साइड लेग रेज करना है। इसमें आप लोगों को करवट लेकर लेटना है अपनी मैट के ऊपर और उसके बाद में आप लोगों को पैर जो है वो पूरा ऊपर 90 डिग्री पर उठाने की कोशिश करना है। इसमें आप लोगों के दोनों हाथ जो है आप लोगों के सरफेस पर रहेंगे नॉर्मल पोजिशन में जो कि आप लोग रखते हैं, और एक पैर जब आप लोग इस पोजीशन में लेकर आ रहे हैं ऊपर तो दूसरे पैर के साथ भी आप लोगों को यही करना है। तो ये 40 सेकंड्स का वर्कआउट है, इसे भी आप लोग कंप्लीट करें। इसमें आप लोगों की जो थाई है वो स्ट्रेट पोजीशन पर रहेगी और ग्लूट जो है वो एंगेज रहेंगे, ठीक है। तो ये पोजीशन जो है आप लोगों को देगी कि स्लिम और लीन थाईज जो आप लोग की तमन्ना है। आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों का जो लेग्स है वो ब्यूटीफुल रहे, स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे और अच्छा रहे। तो अगर आप लोग ये सभी वर्कआउट करते हैं तो आप लोगों के जो लेग्स हैं, थाईज हैं, वहाँ की जो सेल्यूलाइट है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। नंबर फोर है फॉरवर्ड एंड रिवर्स लंजेस। फॉरवर्ड एंड रिवर्स लंजेस में आप लोगों को क्या करना है, दोनों हाथ जो है अपने चेस्ट के सामने की ओर टाइप कर लीजिए यानी बांध लीजिए। अब एक कदम पीछे उठाते हुए आप लोगों को बैठ जाना है नीचे की ओर। इसमें आप लोगों का एक पैर जो है वो तो आप लोगों का टेबल टॉप पोजीशन में रहेगा और दूसरा जो घुटना है वो आप लोगों का नीचे सरफेस की ओर जो है वो टच हो जाएगा। तो आप लोगों को फॉरवर्ड और रिवर्स लंजेस जो है वो दोनों पोजीशन में करने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये चार एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं और उसके बाद में हर एक एक्सरसाइज के बीच में आप लोगों को मिलता है 10 सेकंड का रेस्ट। इसमें आप लोग अपने थाइज मसल्स की मसाज कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो है जो अभी तक फैला नहीं है वो ब्लड फ्लो फैल जाएगा। तो अच्छा रहेगा कि आप लोग बीच बीच में थाइज मसल्स को थोड़ा बहुत वार्म अप कर लीजिए। नेक्स्ट वर्कआउट यानी पांचवा वर्कआउट है स्कैटर वॉक। स्कैटर वॉक में आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा वर्कआउट है, दोनों हाथ जो है फ्लाइंग पोजीशन में रखें, उसके बाद में एक पैर को दूसरे पैर के जस्ट विपरीत यानी क्रॉस की ओर लेकर जाना है और नीचे की ओर आप लोगों को टैप करना है जैसा कि वीडियो स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ऐसा वर्कआउट करने से भी आप लोगों की जो थाइज मसल्स हैं, घुटने जो हैं वो मजबूत होते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या है घुटनों से रिलेटेड तो प्लीज़ ऐसे वर्कआउट्स करने से पहले फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह आप लोगों को ज़रूर लेनी चाहिए। तो ये आप लोगों की स्कैटर वॉक जो है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में आप लोगों को मिल जाता है 10 सेकंड का रेस्ट और इन बिटवीन आप लोग अपने लेग्स को देख सकते हैं कि कितने मोटे हो गए हैं या आप लोगों की थाइज पर चर्बी कितनी बढ़ चुकी है, तो उसे कम करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। नंबर छठे वर्कआउट पर हम लोग चलते हैं। इसमें हम लोगों को लेना है जस्ट मिनी अल्टरनेटिव रिवर्स लंजेस। अल्टरनेटिव रिवर्स लंजेस का मतलब है आप लोगों को पीछे की ओर कदम बढ़ाने हैं और लंजेस जो है वो कंप्लीट करने हैं। इसमें आप लोगों के दोनों हाथ जो है चेस्ट के सामने बाइंड रहेंगे
और पीछे कदम बढ़ाते हुए इसमें आप लोग देखें कि आप लोग जो है थोड़ा सा झुक कर रखें, यानी कि स्क्वाट पोजीशन पर रहें, एकदम स्ट्रेट आप लोगों को इसमें नहीं खड़ा होना है, थोड़ा झुक कर ही आप लोगों को दोनों पैरों के बीच में रखना है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये महिला जो है दोनों पैरों के बीच में जो है गैप है थोड़ा सा, और साथ ही आप लोगों के थोड़ा सा झुकी हुई है, तो पूरा का पूरा जोर जो है वो घुटनों पर है। तो इस बात पर आप लोगों को फोकस करना है। अब मिल जाता है आप लोगों को 10 सेकंड का रेस्ट, और 10 सेकंड का रेस्ट जो है आप लोगों की मसल्स को मजबूती देने के लिए बना है। इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट के ऊपर, यानी कि सातवें वर्कआउट के ऊपर। सातवां वर्कआउट है स्क्वाट विद क्रॉस लेग वॉक। इस वर्कआउट को आप लोगों को कैसे करना है, सिंपल सी बात है कि आप लोगों को पहले स्क्वाट पोजिशन पर रहना है, उसके बाद में आप लोगों को खड़े होकर आप लोगों को दोनों पैरों को आपस में क्रॉस करना है, ठीक है। इन बिटवीन आप लोगों के जो दोनों हाथ हैं वो सामने रहेंगे, चेस्ट के सामने रहेंगे, और आगे की ओर बढ़ते आप लोगों को जाना है, ठीक है। तो सिंपल सा वर्कआउट है, इसमें आप लोगों का कार्डियो भी जो है वो शामिल हो जाता है, टोटल बॉडी फैट भी कम हो जाएगा, थाइस मसल्स इंगेज भी हो जाएंगी, थाइस मसल्स टोन भी हो जाएंगी, हेमिस्ट्रिंग मसल्स जो है वो निखर कर उभर कर बाहर आएगी, तो आप लोगों की जो थाइस हैं वो सुंदर और अट्रैक्टिव जो है वो दिखने लग जाएगी। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि बॉडी पार्ट के हर एक पार्ट को आप लोगों को सुंदर बनाना है। तो वर्कआउट एक ऐसा वर्कआउट आप लोग कीजिए जो आप लोगों को हेल्प करे इस चीज़ में। तो ये वर्कआउट आप लोगों के लिए है। नेक्स्ट है लेटरल वॉक विद बैक किक। लेटरल वॉक का मतलब है लेटरल जंप भी आप लोग कह सकते हैं इसको। इसमें आप लोग देखिएगा कि एक पैर के ऊपर ही जो है आप लोगों का पूरा फोकस रहता है। फिर से करते हैं, 30 सेकंड का है, तो अगर आप लोग इन बिटवीन थक जाएं तो रुक भी जा सकते हैं। 40 सेकंड का ये पूरा वर्कआउट है। अब देखिए दोनों हाथ जो हैं चेस्ट के सामने हैं, एक जंप जो है लेफ्ट की ओर, दूसरा जंप राइट की ओर, ठीक है। तो आप लोग ये करते रहिए और साथ में आप लोगों को बैक किक भी करनी है। तो ये पूरा वर्कआउट जो है कंप्लीट हो जाता है आप लोगों का 40 सेकंड्स का। अब हम लोग चलते हैं रेस्ट की ओर। तो 10 सेकंड का रेस्ट है, अपने लेग्स को सुंदर बनाइए, टोंड बनाइए, यही आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो एक्स्ट्रा चर्बी है लेग्स के ऊपर, वो हटानी है आप लोगों को। तो कंटिन्यू करते रहिए वर्कआउट और हेल्प कीजिए अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज की सब्सक्राइब करके। अब नवा जो वर्कआउट है वो है स्क्वाट डिप्स विद जंप्स। इसमें आप लोगों को क्या करना है, स्क्वाट पोजीशन लेना है और फिर जंप्स करना है, लेकिन इन बिटवीन आप लोग डिप्स करेंगे अपने ग्लूट्स को। तो इसमें थाइस मसल्स पर अपना पूरा का पूरा फोकस रहेगा। ये देखिए, स्क्वाट किया, फिर डिप्स किया दो बार, उसके तीन बार, और उसके बाद में जंप किया, फिर स्क्वाट किया, डिप्स किया तीन बार, और फिर जंप किया। तो ये पोजीशन जो है आप लोगों की थाइस मसल्स को, जो बाहरी फैट है, सेल्यूलाइट फैट है, वो बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये मसल्स जो है आप लोगों की टोंड हो जाएगी, मसल्स मास आप लोगों की थाइस पर बनने लग जाएगा। तो ये वर्कआउट भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद में आप लोगों को मिल जाता है 10 सेकंड का फिर से रेस्ट। आप अपनी थाइस को कैसे भी टर्न करके कितनी भी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। ये है नेक्स्ट वर्कआउट आप लोगों के पास, 10वां वर्कआउट लेटरल स्क्वाट। लेटरल स्क्वाट में आप लोगों को कैसे करना है, सीधे खड़े रह जाना है, उसके बाद में थोड़ा सा झुकते हुए पूरा का पूरा एक साइड में झुक जाना है। तो इसमें आप लोग देखिएगा कि एक पैर तो आप लोगों का जब झुकेंगे तो एक पैर एकदम सीधा रहेगा, दूसरा जो है घुटना मुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये स्क्वाट भी अगर आप लोग करेंगे तो अगर आप लोग देखेंगे तो ग्लूट्स की जो चर्बी है वो किस प्रकार जो है एक्टिवेट हो रही है इस वर्कआउट के अंदर, आप लोग देखिए, और थाइस मसल्स भी आप लोगों की स्ट्रेच रहती है इसमें एकदम स्ट्रेट पोजीशन के अंदर। तो ये वर्कआउट भी आप लोग 40 सेकंड के लिए कीजिए। 10 वर्कआउट जो है वो आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं, और 10 वर्कआउट के बाद में मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग आराम कर लीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद में मुझे बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आप लोगों से बना है। तो आप लोग ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब बटन पर आप लोगों को सब्सक्राइब कर देना है अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फेसबुक अकाउंट पर, व्हाट्सअप पर और इंस्टाग्राम पर, जहाँ आप लोग अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ की मदद करना चाहते हैं वहाँ पर, और साथ ही दूसरों के भी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं वीडियो के साथ। धन्यवाद।